हाय हाय दोस्तों, दोस्तों, स्वागत है हमारे हमारे चैनल चैनल एसके एसके सोनू सोनू टेक टेक वर्ल्ड वर्ल्ड में। में। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा स्नातक पार्ट टू सेशन 15/2018 का नामांकन यानी कि एडमिशन कब से होगा और परीक्षा फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को दबाएं ताकि आपको जेपी यूनिवर्सिटी से पल पल की खबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सत्र 2015 से 2018 स्नातक पार्ट टू में छात्रों का नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म एक साथ भरा जा रहा है। ऐसे में अधिकांश छात्रों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। DSW ने पार्ट टू में एडमिशन के लिए 8 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की है। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूं कि पार्ट टू में एडमिशन के लिए 8 दिसंबर तक ही डेट दिया गया है। वही परीक्षा विभाग ने जारी पत्र में उसी सत्र के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 4 से 10 दिसंबर तक समय दिया है। कॉलेजों को छात्रों के भरे हुए फॉर्म की सूची एवं उसकी CD शुल्क के साथ 11 दिसंबर तक विश्वविद्यालय में जमा करने को कहा गया है। तो दोस्तों, दोनों काम एक साथ करने के आदेश से छात्र परेशान हो चुके हैं। विशेष रूप से वैसे छात्र जिनका पार्ट वन में किसी कारणवश रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कौन सा काम करें। बुधवार को विश्वविद्यालय में मार्क्स के सुधार के लिए छात्रों का हुजूम विश्वविद्यालय परिसर में जमा रहा। ऊपर से वेबसाइट स्लो चलने के कारण परीक्षा फॉर्म भरने में छात्र पूरे दिन परेशान रहे। छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना होगा। भरे हुए फॉर्म की प्रिंट आउट कॉपी कॉलेज में जमा करना है। विश्वविद्यालय सूत्रों की माने तो इसी सेशन का परीक्षा जनवरी माह में विश्वविद्यालय ले सकता है। उधर एडमिशन और परीक्षा फॉर्म साथ साथ भरे जाने से छात्र परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि आप सभी का एडमिशन यानी सेशन 15/18 स्नातक पार्ट टू का नामांकन 8 दिसंबर तक ही होगा और परीक्षा फॉर्म 10 दिसंबर तक भरा जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि उसे भी इसके बारे में मालूम चल जाए और अपना परीक्षा फॉर्म आसानी से भर सके और अपना नामांकन जरूर करा ले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।